क्लास 8 एक्सरसाइज 18.1 का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपको क्वेश्चंस दिया, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न इन लीटर। आपको यहाँ पे एक सिस्टर्न, मतलब जिसमें हम वाटर फिल करते हैं, हमारी जो पानी की टंकी रहती है ना छत पर, वैसे ही कोई शेप है इसका, वो कौन से शेप में आपका रेक्टेंगुलर है, 3D में है। और तो आपको ये बताना है कि उसमें कितना वाटर फिल हो सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी निकालना है, और उसे बनाने में कितना ही आयरन की शीट चाहिए थी या कितनी आयरन की शीट यूज़ हुई है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया, तो आउटसाइड का एरिया होता है, हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो उसका फॉर्मूला आपके पास है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू ब्रैकेट लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट इंटू हाइट लेंथ। हम यहाँ पे सारी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्वेश्चन में दिया हमें डायमेंशन, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो आंसर आएगा यही क्या होगा, आपका एरिया होगा। अब हमें कैपेसिटी निकालना है, तो कैपेसिटी क्या होती है, सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना होगा, और ये वॉल्यूम का क्या है, आपका फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ ब्रेथ और हाइट के वैल्यू यहाँ पुट करके सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आया, 352.8 m³। अब इससे हम इस वॉल्यूम को मीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा। 1000 का मल्टीप्लाई करने पर ये डेसिमल कहाँ चले जाएगा, आगे मूव हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3528 00। ये हमारा आंसर आया लीटर में। इसके बाद